श्री अकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक की धुरंधर में। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया था जावा की जो थी कि कैसे हमने कुछ जो कॉमन एरर्स हैं उनको रिमूव करना है। आज हम देखेंगे कि अगर आप भी जावा सर्वर पेजेस की जो टैग लाइब्रेरी है मीन्स JSTL है उसको यूज़ करना चाहते हैं सर्वलेट्स में तो कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आज का जो प्रोजेक्ट मैं बनाऊँगा IntelliJ में, तो हम कई बार गलत जो है मैवन की जो लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कौन सी लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट करनी है ताकि जो JSTL है वर्क करने लगे वो देखेंगे आज हम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा न्यू प्रोजेक्ट, सो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ जाना है, जावा एंटरप्राइज पे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नेम है, लोकेशन है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो है वो कौन सा चूज करना है, वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने सर्वर कन्फिगर कर रखा है टॉमकैट, और यहाँ पे बिल्ड सिस्टम जो है हमारे पास क्या है, मैविन। तो बस इसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे जावा आप देख ही सकते हैं 17 है, फिनिश करते हैं। स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे सर्वलेट पहले से ही ऑन है, और एक यहाँ पे कंटेक्स्ट एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ ताकि एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। तो बिल्कुल ये क्विक डेमो होगा कि हमने क्या क्या करना है इसमें। तो जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इसमें जो है पहले से डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होती है। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं, तो अभी तो लोड ही हो रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स पेज जो है अपने आप बन जाएगा। तो इंडेक्स पेज आ गया है। जैसे आपको पता ही है जो सर्वर पेजेस में JSTL होती है वो टैग लाइब्रेरी है, जो यानी कि हमारा जो JSP की डेवलपमेंट है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बनाई गई है। तो उसका कुछ सिंटैक्स ऐसे होता है कॉलन की तरह जो 5 तरह की है, जैसे कि कोर है, फॉर्मेटिंग है, XML है, SQL है। ऐसी जो कोर लाइब्रेरी है उसमें फ्लो रिलेटेड फंक्शंस है, इफ है, फॉर है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे लिखा हूँ सी फॉर ईच, जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे बाकी चीज़ों में सजेशन आता है कि कौन सी क्लास इम्पोर्ट कर लो, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट एंटर दबाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इम्पोर्ट की स्पेशल ऑप्शन नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक उसे पता ही नहीं है कि इसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे है। तो मीन्स सबसे पहले JSTL को चलाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा, डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो वही हमें कहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे जो ये हमारी फाइल है सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन की, उस पर जाएंगे POM.XML और इसमें जाएंगे हम डिपेंडेंसी पे। तो ऑलरेडी जावा एक्स में जो सर्वलेट है उसमें सर्वलेट API जो है वो इंक्लूडेड है। तो कुछ लोग यहाँ पे गलत जो डिपेंडेंसी है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिपेंडेंसी ग्रुप ID, क्या लिखते हैं, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट JSP.JSTL। तो सभी ये वाली जो मीन्स हमारी डिपेंडेंसी है ये इंक्लूड कर लेते हैं, पर ये वाली डिपेंडेंसी जो है वो गलत है। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, जावा एक्स डॉट सर्वलेट, और यहाँ से इसे करना होगा कट। यहाँ पे मुझे जस्ट लिखना है JSTL, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा 1. चेक करना होगा कौन कौन सा वर्जन है, 1 लिखता हूँ तो 1.2 लेटेस्ट है। तो अभी इसे क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एंटर दबाऊँगा अभी तो कोई सजेशन नहीं आएगा। तो ऐसे ही इसे रहने देते हैं, सेव करते हैं, दोबारा से IntelliJ को रन करते हैं। तो अगर आप गलत लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लोगे तो नो क्लास डेफिनेशन की एरर जो है हमारे पास में आती रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो है, 4GB रैम है बस इसमें। फिर से एक बार डबल क्लिक किया तो चल पड़ा है यहाँ पे IntelliJ, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था वही इसमें ओपन हो जाएगा। तो साथ ही साथ में क्या होगा, रीस्टार्ट करने के बाद जो भी हमने डिपेंडेंसी दी है वो डिपेंडेंसी जो है अपने आप इसमें ऐड हो जाएगी। NetBeans में भी कुछ ऐसा ही होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है, लगभग सेम डिपेंडेंसी हमने ऐड करनी है। आप मैबिन की लाइब्रेरी में जाके भी सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा एक और लाइब्रेरी है वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप जावा एक्सपोर्ट सर्वलेट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, वो है टैगलिब्स। मीन्स उसमें डिपेंडेंसी जो है टैगलिब्स देनी होगी, और बाकी का जो मीन्स इंफॉर्मेशन है वो सही सिर्फ से वही देनी होगी जो POM फाइल में हमने
जो हमारी XML फाइल में हमने एडिट करके दी थी। तो अभी हमारा काम जो है हो जाएगा सिंपल, जैसे ही ये लोड होगा तो हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग की वेट करनी होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद ही जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट होती है। आप यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में चेक कर सकते हैं कि वो आ गई है लाइब्रेरी का नहीं आ गई है। तो यहाँ पे अभी JSTL कहीं भी नहीं है, थोड़ी देर के बाद अभी भी देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स अभी भी चल रहा है इंडेक्स। तो अभी तक जो है पूरी तरह से जो लोड नहीं हुई है फाइल, तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है अभी, और यहाँ भी अभी लोड होने ही वाला है। तो जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगी हम चेक करेंगे कि क्या ये ठीक हो गया है। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है अपडेट हो रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है, javax.servlet.jstl यहाँ पे आ गया है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट अपडेट हुआ है मैंने उसे कट किया, यहाँ से फिर से लिखने की कोशिश की C:FOR:EACH। जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे अभी रेफरेंस जो है खुद ब खुद आने लगी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कोर जो रेफरेंस है उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत सी और भी रेफरेंस है बट ये कोर में ही है, तो यहाँ पर मैं कोर में लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं कोर में से क्या हो गया है, अपने आप जो टाइप लाइब्रेरी है हमारी इंपोर्ट हो गई है। और यहाँ पे अभी एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें और वेरिएबल भी लिखने पड़ेंगे। वेयर मैंने वेयर फॉर वेरिएबल मैंने वेरिएंट, और यहाँ पे हमें लिखना होगा एक स्टार्ट एंड एक एंड। मीन यहाँ पे बिगिन हम करेंगे 1 से इसकी वैल्यू, एंड करेंगे इसको 5 पे, और इसके बीच में आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं वो, तो हम ऐसे करते हैं जो उन्होंने हमें प्रिंट करके दिया है वो हम इसके अंदर रख दे रहे हैं। हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड जो है अभी 5 टाइम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 दबाता हूँ तो प्रोजेक्ट बिल्ड होने लगा है अभी। तो अभी हमारा जो आउटपुट है वो किसके थ्रू आएगा, JSTL के थ्रू ही होके आएगा। इस बीच में आप देख सकते हैं यहाँ से 1 से 5 तक रखा है इसे, और इसका मतलब है 1 से 5 तक जो चलेगा मैंने 5 टाइम, और उसमें क्या प्रिंट होगा ये। इसके फायदे ये हैं कि हमें बार बार जो टैग को ओपन क्लोज करना पड़ता था, जैसे यही वाली चीज़ मैं वैसे भी कर सकता हूँ JSP में, तो वो ज़्यादा मुश्किल था, बट इसमें थोड़ा आसान है वो काम करना। तो अभी भी बिल्ड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी लोड हो रहा है। रिकॉर्डिंग के साथ साथ जब चलाते हैं तो बड़ा ही धीमे धीमे चलता है ये। तो अगर नहीं चल रहा है अभी किसी वजह से तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सजेशन आ रहा है, बट पहली बार ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। सो आ गया है, आर्टिफैक्ट डिप्लॉयड है, इतना टाइम लगा। तो अगर नहीं चलेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। बट देखिए जैसे मैंने कहा था ये फर्स्ट टाइम अगर सर्वर को चलाते हैं तो खुद ब खुद आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है 5 टाइम प्रिंट हो गया है। सो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो ये लूप है वो चल रही है, और हमारी जो टैग लाइब्रेरी है वो वर्क कर रही है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंसी को ऐड करना है, ये वाली, और ये भी देख लेना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरी में ये वाली चीज़ इम्पोर्ट होके आ गई हो, तो ही ये काम करेगी, अदरवाइज़ जो हमारी टैग लाइब्रेरी है वो काम नहीं करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।